हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है, नाम से क्लियर है, इरिटेट वर्ड से बना हुआ है। ओके, आदमी कई बार इरिटेट हो जाता है, भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। तो इरिटेबिलिटी जो है हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलती है, आज हम वही देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो जनरली पजेस करता है, अपने पास रखता है एक पावर, फंडामेंटल पावर ऑफ इरिटेबिलिटी, यानी कि वो इरिटेट हो सकता है, ऐसी एबिलिटी योग्यता अपने पास रखता है। ओके, नाउ इरिटेबिलिटी मीन्स कि कोई भी जब स्टिमुलेशन हो रहा है बॉडी में, कोई भी चीज़ जैसे जो हम अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं कि हमारे साथ हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी। तो स्टिमुलेशन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, की जो ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो कि हमने प्रेडिक्ट नहीं किए थे, या अनवांटेड एक्टिविटीज बोल सकते हैं, एंड उसके रिस्पॉन्ड में जो हमारी कैपेसिटी होती है, हमारी इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी, राइट। अब जो यहाँ पे स्टिमुलस है, स्टिमुलेशन में जो वर्ड स्टिमुलस से बना हुआ है, तो स्टिमुलस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह का चेंज है। ओके, वो चेंजेस जो है वो इंटरनल में भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिपेंड कि आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई स्विच उभार रहा है, ओके, पिन आपको कोई गड़ा रहा है सपोज कर रहे हैं, तो आप इरिटेट होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो हमको इरिटेट करते हैं, राइट। कभी हेडेक हो गया, या कभी गैस की वजह से कहीं बॉडी के अंदर लगता है कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें इंटरनल भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स जो स्टिमुलस है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कुछ भी हो सकता है। ओके, सो बेसिकली जो चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके कारण जो लिविंग सिस्टम है, ओके, वो भड़क जाता है, प्रोवोक यानी कि भड़क जाना, एकदम गुस्सा हो जाना, और यही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस रिस्पॉन्स करने की एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। इट मीन्स अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस होंगे तो जनरली हम लोग प्रोवोक करते हैं, भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को बोलते हैं इरिटेबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।